फ्रेंड्स, बेस्ट प्लेसेस की इस वीडियो में आज हम साबरमती आश्रम, महात्मा गांधी और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आश्रम में प्रवेश करने से पहले आइए जानते हैं इस आश्रम के बारे में कुछ हिस्टोरिकल और मिथोलॉजिकल फैक्ट। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के कुछ समय बाद महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला आश्रम अहमदाबाद में स्थापित किया था। ये आश्रम अहमदाबाद के कोचराब में बैरिस्टर जीवनलाल देसाई के बंगले में स्थित और गांधी ने इसका नाम गांधी आश्रम रखा था। खेती, पशुपालन, गाय पालन और खादी से संबंधित गतिविधियों में गांधी जी की भागीदारी ने उन्हें 17 जून 1917 को साबरमती नदी के किनारे एक स्थान पर इस आश्रम को स्थानांतरित करने के लिए प्रेरित किया। गांधी आश्रम के दो मुख्य लक्ष्य थे, एक सत्य की खोज करना और दूसरा अहिंसा में विश्वास रखने वाले और भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले लोगों के एक समूह को संगठित कर। गांधी के अनुयायी आश्रम में रहते थे। वे अहिंसा के सिद्धांतों का पालन करते हुए और सत्य को खोजने के लिए अपनी खोज जारी रखते थे, जिसे गांधी भगवान और नैतिकता मानते थे। गुलामी के मुश्किल समय में साबरमती आश्रम आशा की एक किरण था। साबरमती आश्रम के स्थान के बारे में गांधी का मानना था कि जेल और शमशान के बीच आश्रम का यह स्थान महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह सत्य और निडरता के संघर्ष का प्रतीक था। उनका मानना था कि उनकी गतिविधियों के लिए सत्य की खोज करने और निडरता विकसित करने के लिए यह जगह सही है, क्योंकि इसके एक तरफ साबरमती सेंट्रल जेल है और दूसरी तरफ साबरमती नदी है, जो कि मातृ प्रकृति के वज्र का प्रतीक है। महात्मा गांधी का मानना था कि सत्याग्रही या सत्य शोधक को इनमें से किसी भी स्थान पर जाना पड़ सकता है। साबरमती आश्रम के निर्माण के वक्त से ही अहिंसा का पालन किया गया था। 14.5 हेक्टेयर की भूमि जहाँ आज आश्रम खड़ा है, पहले वह सांपों से भरी एक बंजर भूमि थी, लेकिन गांधी ने आदेश दिया था कि किसी भी सांप को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इस आश्रम को पहले सत्याग्रह आश्रम कहा जाता था, जिसे साबरमती नदी के तट पर स्थानांतरित करने के बाद इसका नाम बदलकर साबरमती आश्रम कर दिया गया। भारत को अस्पृश्यता के चुंगल से मुक्त कराने की गांधी की प्रतिबद्धता के कारण इसे हरिजन आश्रम के नाम से भी जाना जाता था। इस आश्रम के मिथोलॉजिकल फैक्ट्स के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो अहमदाबाद का साबरमती आश्रम दिदीची ऋषि के आश्रम के स्थान पर स्थित है। दिदीची ऋषि ने अपने जीवन का बलिदान दिया था ताकि दिव्य प्राणी मतलब देव उनकी हड्डियों से वज्र नामक एक हथियार बना सके। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग की कहानी 1920 के दशक में साबरमती आश्रम